हेलो गाइस, वेलकम टू बॉटनी मंत्र। आज हम बात करने वाले हैं फिक्सेशन ऑफ फिलामेंट, मतलब एंथर में जो फिलामेंट्स होता है उनका फिक्सेशन के अकॉर्डिंग जो एंथर है उनको कितने क्लासेस में या फिर बात करें कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो बात करेंगे हम इसी बारे में आज की जो एंथर हैं उनके फिलामेंट के फिक्सेशन के बेस पर उन्हें कितने प्रकार में बाँटा गया है। तो हम जानते हैं जो एंथर है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और साथ ही साथ जो एंथर है वो तीन डिफरेंट पार्ट से मिलकर बना होता है। आप देख पा रहे होंगे स्ट्रक्चर में कि जो एंथर है वो तीन डिफरेंट पार्ट से मिलकर बना होता है। सबसे पहला पार्ट होता है फिलामेंट, जो कि फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, और साथ ही साथ होता है दूसरा पार्ट कनेक्टिव। कनेक्टिव के साथ तीसरा पार्ट जो अटैच होता है वो होता है एंथर लोब। एंथर लोब और फिलामेंट, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला जो ऑर्गन होता है उसे हम कनेक्टिव कहते हैं, और कनेक्टिव के बेस पर ही, कनेक्टिव के लोब के अरेंजमेंट के बेस पर ही हम जो फिक्सेशन है फिलामेंट का वो फोर टाइप का होता है। मतलब अगर हम कैटेगराइज करें या फिर एंथर को बांटें तो हम चार प्रकार से एंथर को देख सकते हैं कि फोर टाइप के एंथर्स जो हैं वो उनमें कनेक्टिव का अरेंजमेंट होता है। फिलामेंट से कनेक्टिव के अरेंजमेंट को हम फिक्सेशन ऑफ फिलामेंट कहते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है बेसिक फिक्स्ड। तो बेसिक फिक्स्ड टाइप के जो एंथर होते हैं उनमें फिलामेंट जो है वो उनके एंथर लोब के बेस पर अटैच होता है, मतलब फिलामेंट्स अटैच टू द बेस ऑफ एंथर लोब। और इसका एग्जांपल है रेफिनस सेटाइवस। स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से जो अरेंजमेंट होता है वो बेसिक फिक्स्ड अरेंजमेंट कहलाता है या बेसिक फिक्स्ड फिक्सेशन कहलाता है। सेकेंड टाइप है डॉर्सी फिक्स्ड। तो डॉर्सिफिक्स का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, इसमें एंगल चेंज हुआ है और कनेक्टिव जो है वो अलग जगह पर जाकर फिक्स हुई है, और इस प्रकार के फिक्सेशन को हम डॉर्सिफिक्स कहते हैं। और व्हेन फिलामेंट्स इट अटैच टू द कनेक्टिव एट वन पॉइंट ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ एंथर लोब। जो अटैच होता है कनेक्टिव वो एक पॉइंट पर डॉर्सल साइड पर अटैच होता है फिलामेंट्स के, और जो एंथर्स होते हैं वो डॉर्सिफिक्स एंथर कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो पैसिफ्लोरा जो है वो इसका एग्जाम्पल है। और इसको अगर ईजिली हम समझें तो हम देखेंगे कि जो एंथर लोब है वो नीचे से फिलामेंट्स जो है वो उसके द्वारा अटैच होता है, मगर जो कनेक्टिव होती है वो एंगल डिसाइड करता है, मतलब पोजिशन डिसाइड करती है कि किस एंथर लोब के पार्ट से या फिर किस एंगल से जो है वो जुड़ेगा फिलामेंट एंथर लोब से। तो नेक्स्ट हम बात करें थर्ड टाइप जो कि है एडनेट। तो एडनेट फिक्सेशन क्या होता है, व्हेन फिलामेंट रन थ्रू आउट द इंटायर लेंथ ऑफ द एंथर फ्रॉम द बेस टू द बॉटम। और एग्जांपल की बात करें तो मैग्नोलिया इसका एग्जांपल है, मतलब स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, बेस एंथर लोब के बेस से लेकर बॉटम तक इंटायर एंथर लोब जो है वो उस पर जो है वो फिलामेंट कवर रहता है, और कनेक्टिव जो है वो इस प्रकार से अरेंज होती है कि जो एंथर होता है वो टॉप से बॉटम तक फिलामेंट्स के द्वारा कवर रहे। सेंटर में स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार के जो फिक्सेशन होता है उसे एडनेट फिक्सेशन कहते हैं, और मैग्नोलिया जो है वो इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट हम बात करें फोर्थ टाइप का जो फिक्सेशन होता है वो होता है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल फिक्सेशन क्या होता है, व्हेन द फिलामेंट्स इट अटैच ऑन द डॉर्सल साइड इन द मिडिल ऑफ द एंथर लोब इन सच ए वे सो दैट द लेटर में मूव टू एंड एंड फ्रो। तो इसका एग्जाम्पल है पेनक्रेटियम। तो बात करें कि वर्सेटाइल क्या होता है, तो इस प्रकार को आप देख पा रहे होंगे वर्सेटाइल और डॉर्सिफिक्स, इन दोनों में सिर्फ एंगल चेंज हुए हैं और जो कनेक्टिव्स का पोजिशन है वो चेंज हुआ है, और कनेक्टिव के पोजिशन के बेस पर ही हमने बताया कि जो अटैचमेंट है वो चेंज होता है। तो जब फ्लामेंट्स जो हैं वो डॉर्सल साइड पर अटैच होते हैं एंथर लोब के, बट मिडिल रीजन में आप देख पा रहे होंगे डॉर्सिफिक्स में जो है वो मिडिल रीजन में अटैच नहीं है, बट वर्सेटाइल में जो है वो बिल्कुल एंथर लोब के मिडिल रीजन में अटैच हैं बेस पर। तो इस प्रकार से जो है वो फिक्सेशन होता है। तो फाइनली हमने देखा फोर्थ टाइप के फिक्सेशन होते हैं एंथर में। सबसे पहला था बेसिक फिक्स्ड, डॉर्सिफिक्स, फिर एडनेट और वर्सेटाइल। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉटनी मंत्रा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और बॉटनी मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब।